नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पत्नी को तलाक देकर काफ़ी कम वक्त में ही इन सितारों ने की थी दोबारा शादी, करण का नाम सबसे ऊपर। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में शादी और तलाक दोनों ही आम बात हो गई है। सुपरस्टार जितने धूमधाम से शादी करते हैं, उतने ही समझ के साथ रिश्तों में कुछ ठीक न होने पर तलाक भी ले लेते हैं। ऐसे में फिल्म और टीवी जगत के ऐसे कई स्टार्स हैं जो एक किससे ज़्यादा शादी कर चुके हैं। कुछ एक तो ऐसे भी है जिन्होंने तलाक के बाद दूसरी शादी करने में जरा सी भी देर नहीं की। तो आइए जानते हैं इन स्टार्स के बारे में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस बिपाशा बसु और टीवी जगत के जाने माने एक्टर करण सिंह ग्रोवर की। करण ने सबसे पहले एक्ट्रेस श्रद्धा निगम के साथ शादी रचाई और उसके बाद टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंकेट से विवाह किया, लेकिन दोनों के साथ करण का रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने आखिर में बिपाशा संग सात फेरे ले लिए। शादी से पहले दोनों फिल्म अलोन में एक साथ नजर आए थे और इस दौरान दोनों में प्यार हुआ और झटपट शादी कर ली। एमटीवी रोडीज फेम रघुराम ने भी पहली पत्नी सुगंधा को तलाक दे दूसरी जीवन संगनी ढूंढने में देरी नहीं की। उन्होंने साल 2006 में सुगंधा से शादी की थी और 10 साल बाद 2018 में तलाक ले दूसरी शादी कर ली। बता दें कि रघु ने 12 दिसंबर 2019 को गर्लफ्रेंड नताली से शादी की है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार, गायक और अभिनेता हिमेश रेशमिया की। बता दें कि हिमेश ने अपनी पहली पत्नी कोमल को तलाक देकर मई 2018 में गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से शादी की थी। हिमेश ने कोमल से 1995 में शादी की थी और 2017 में तलाक दे दिया। फिल्म वीरे दी वेडिंग में एक्ट्रेस करीना कपूर संग लीड रोल में नजर आए एक्टर सुमित ब्यास ने भी तलाक ले तुरंत शादी कर ली। उन्होंने एक्ट्रेस शिवानी टकसाले के साथ शादी की। साल 2017 में उनसे तलाक ले 6 महीने के अंदर ही एक्ट्रेस एकता कोल से शादी कर ली। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।